हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके कार वर्ल्ड। मेरा नाम है आसिफ खान। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ग्रैंड आइटन नियोस सीएनजी का स्टेपनी टायर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से टू स्टेप्स आपको इसे एक्चुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आपको देखेंगे कि ग्रैंड आइटन नियोस सीएनजी का जब सिलेंडर है, ऑब्वियसली हैचबैक कार है, यहाँ पे आपको अगर सिलेंडर आ जाते तो आपको स्टेपनी टायर उसके नीचे चले जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसको स्टेपनी टायर अगर चेंज करना रहेगा तो उसको कैसे कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे अगर बोर्ड स्पेस देखते हैं, हम लोग यहाँ पर सीएनजी का सिलेंडर आ गया, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेपनी टायर है। स्टेपनी टायर और यहाँ पे जो गैप है काफ़ी कम है सिलेंडर की वजह से। स्टेपनी टायर आप इस जगह से आपने नहीं निकाल सकते। तो करना क्या होगा आपको, आपको पहले ये दोनों सीट जो है इसको, ये सीट्स को पूरी फोल्ड करनी होगी। जैसे आपने ये सीट फोल्ड कर दिया तो उस तरफ से आपको काफ़ी गैप मिल जाएगा। मैं उस तरफ से आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी गैप मिल गया आपको। अब यहाँ पे आप इसको पहले लूज़ कर लीजिए, यहाँ पे हुक से ये टाइट रहता है, ये निकल गया। अब यहाँ पे काफ़ी गैप मिल गया आपको, थोड़ा आपको एडजस्ट होके यहाँ से टायर आपको निकालना पड़ेगा। ये तो इस जगह से आप सीएनजी गाड़ी में, हैचबैक में आप सीएनजी का सेपरेट टायर ऐसे चेंज कर सकते हैं। उस तरफ से आपको नहीं निकलेगा, बूट स्पेस में आपको काफ़ी कम स्पेस मिलता है, लेकिन आप सीट फोल्ड करके स्टेपनी टायर चेंज कर सकते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।